सो दोस्तों 2023 के मार्क्स फाइनली आपके आ गए हैं और लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका 2023 में किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया है, चाहे वो आपका तैयारी में कुछ कमी रही है या पेपर का हार्ड आ जाना या फिर आप जब तक प्रिपेयर नहीं थे, समय कम मिला, कुछ भी रीज़न रहा है A to Z, तो उनके पास 2024 एक सुनहरा मौका है। ये गोल्डन चांस आपको मिल रहा है 2024 तुरंत बाद ही, वही सेम वैकेंसीज आ रही है, कुछ जुलाई में वही एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है, वही सब कुछ प्रक्रिया दौड़ रही है साथ साथ आपके पास। यहाँ से अब दिसंबर को अगर मैं ख़त्म कर दूँ तो 8-9 महीने आपके पास हैं पूरी तैयारी के, लेकिन अगर आप इस तरह ख़त्म करते चले जाएंगे कि अभी दिसंबर ख़त्म कर दिया, इससे पहले नवंबर ख़त्म कर दिया, फिर आगे जनवरी ख़त्म कर दें, फरवरी ख़त्म कर दें, फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। देखिए ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ ऑनेस्टली, बिल्कुल ना इधर उधर की बात करते हुए, कम से कम चाहिए बच्चों 9 से 12 महीने कोचिंग चाहिए कम से कम किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। स्टेनो में ये फ़ायदा इसलिए है कि यहाँ पे मैथ नहीं आता है बस, इसलिए आप यहाँ पे 9 महीने में 7-8 महीने में अच्छी तैयारी कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मैथ्स नहीं है। अगर यहाँ पर मैथ्स होगा या होता तो आप डेफिनेटली इसको एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते थे विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले तैयारी में इसको क्रैक करना नामुमकिन था। लेकिन आपको मौका देती है SSC स्टेनो इस बात का कि आप लोग 5-6 महीने में तैयारी कर सके, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पर भी लापरवाही कर देते हैं। सो मैं नहीं समझूंगा कि ये कुछ अकलमंदी है, अपनी तैयारियों में लगी है। कैसे लेना है सिलेक्शन उसके बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों। देखिए आपको पता है कि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है, तो इंग्लिश पर बहुत बड़े रोल वाली तैयारी कीजिए। रीजनिंग पर पकड़ बनाइए, रीजनिंग को हल्के मत लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ आपको। बच्चे सोचते हैं कि सर रीजनिंग तो आराम से हो जाएगी, रीजनिंग तो मेरी मजबूत है, वो 30-35-40-45 तक संतुष्ट होते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपको 48-49 तक ले जाना अपना स्कोर, क्योंकि GS में आप जितना मर्जी मेहनत कर लेंगे GS का स्कोर आप चाह कर के भी 40+ नहीं पहुँचा सकते। वो एक आधा कोई रेयर कैसा होगा तो बात अलग है, लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात होगी कि 40+ स्कोर आप पहुँचा दें अपना GS का। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी इंग्लिश में 85+ की, रीजनिंग में 45+ की, GS में 20-30 के आसपास की, तब जाकर के आप सिक्योर हैं, सेफ हैं आप, और वो मेहनत आपको आज से करनी होगी। प्लान बनाइए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेरी का प्लान बनाइए, 1 करोड़ टेस्ट ले ली, 1 रीडिंग कंप्रिहेंशन ले ली, 30 सीडियम, 30 सेंटोनम, 30 ईडियम्स, यस ये प्लान बनाइए, इसको तो लगाइए साइड बाय साइड, 2 घंटे 1 घंटे जितने भी घंटे में आप इसको कर रहे हैं साइड बाय साइड, आप लोग एक और प्लान बनाइए अपने रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी, कॉमन एरर का, संडे सुपरमून का, दिन के 10 घंटे निकालिए अपनी पढ़ाई के लिए, उन 10 घंटों में 5 घंटे इंग्लिश के, 2.5 घंटे रीजनिंग के, 2.5 घंटे GS के, तब जाके सफलता मिलेगी। अगर आप सोच रहे कि मेरा एग्जाम जब एडमिट वो वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाएगा जुलाई में, उसके बाद में तैयारी शुरू करूँगा, फिर सिलेक्शन लूँगा, फिर सिर्फ तैयारियाँ होंगी, सिलेक्शन नहीं होगा, ये कन्फर्म है। हाँ अगर आपने पहले से कुछ पढ़ रखा हो तो पता लगता है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। तो तैयारी में अभी से लगें, यही सुनहरा मौका है। बहुत सारे बच्चे लग चुके हैं तैयारियों में, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास ऑफलाइन बैच में जो बैच चल रहा है आपके अक्टूबर एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही बच्चे आ चुके थे, यस उनका ग्रामर कंप्लीट होने वाला है अब दिसंबर, अब वो प्रैक्टिस पे चलेंगे अपने, फिर मॉक पे चलेंगे साथ साथ। और आप लोग हैं कि अभी तक स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं अपना प्लानिंग, तो स्टार्ट कीजिए प्लानिंग अपनी, क्योंकि सुनहरा मौका मिल रहा है 2024 आपको अच्छे खासे वैकेंसीज के साथ में, तो इसको हाथ से मत जाने दें, मौके बार बार नहीं मिलेंगे भैया। 2019 से लगातार देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो उस आउटपुट के लिए बच्चों आपको पहले इनपुट करना होगा बहुत बढ़िया वाला, जितना ज़्यादा इनपुट देंगे उतना ज़्यादा आउटपुट आएगा आपका। तो करिए मेहनत, मेहनत करने में क्यों कमी छोड़ रहे हैं आप लोग। 10 घंटे पढ़ना है 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़ना है 12 घंटे पढ़े, और यहाँ से आप स्किल को भी साथ साथ लेके चले। अब बल्कि अभी तो इतना समय है कि अगर कोई एक फ्रेशर बच्चा जिसने स्टेनो कभी पढ़ा ही नहीं है वो भी इसमें आ जाए तो भी क्लियर कर देगा। उसको स्किल सीखना है ना बस, 1 घंटा डेली यहाँ देता रहे, जनवरी फरवरी तक जाएगा उसका स्किल होगा वही बिल्कुल पहले की तरह ही। आपके पास 11-12-13 महीने पूरे अच्छे खासे हैं तो अच्छा खासा क्लियर कर सकता है एग्जाम, लेकिन प्लानिंग से काम होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा तो खैर कभी नहीं होगा, तो इसलिए अपनी तैयारियों में लगे। जैसे मैंने आपको बताया, जिन बुक्स को मैंने आपको बताया उन बुक को फॉलो करें, ग्रामर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर मैंने बताया उसको फॉलो करें, और किरण बुक को सारी कंप्लीट कर दें। उसके बाद आपको MB बुक भी करना है, केवल किरण बुक से ही काम नहीं चलेगा, MB बुक भी करना पड़ेगा, यस। सो ये बेकार के प्रलोभन मुझे नहीं देना आता है, बस आप लोग करें तैयारियाँ, सिलेक्शन लें। अभी देखिए एक बच्चा हमारा सेलेक्ट हुआ है UPPCL में, आप ही लोगों की तरह ऑनलाइन स्टूडेंट है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे शहर मेरे शहर में जाकर सेलेक्ट हुआ है, मेरे सेंटर से कुछ ही दूर उसका सिलेक्शन है, ऑफिस है उसका, वो कल मिलने आ रहा है मुझसे, और मैं बहुत कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कि उसके साथ आपके साथ लिए एक वीडियो बनवाई जाए, ऑनलाइन वीडियो उसके साथ बने आप लोगों के लिए, जिससे आपको पता चले कि वो ऑनलाइन लेकर के तैयारी किस तरह की थी उन्हें, यस। वो कल मिलने आएगा तो मैं उसके साथ एक वीडियो बनाऊंगा, कल नहीं जब उसके पास समय होगा, क्योंकि अभी तो ऑफिस नया नया है उसका, तो मे बी इन संडे
संडे में उसके साथ हम वीडियो बनाएंगे और आपको जरूर देंगे, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि तैयारियाँ कैसे की जाती हैं, ऑनलाइन कैसे तैयारी की जाती है। यस, सो बस लगे हुए तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।